the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एंड वेलकम टू थ्योरी टू प्रैक्टिकल। चलिए माय डियर, आज हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके क्या है, बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ वेल्डिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट वेल्डिंग, जो जो चीज़ें सिलेबस में मैंशनड है, पॉइंट वाइज पॉइंट, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कवर करा गया है टू इट्स डेप्थ, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में, आरआरबी एग्जाम्स में, एज वेल एज फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स, राइट, ताकि हमको एक अच्छा क्वेश्चन सेट मिल पाए। ओके, सो वी वुड बी सॉल्विंग समवेयर अराउंड 50 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद यू विल फील दैट येस वी नो समथिंग अबाउट वेल्डिंग, और आप देखेंगे कि जो चीज़ें हमने कवर करी हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन। ओके, so the question number one is brittle welds are mainly obtained due to, brittle welds kab kaise obtain hote hain, option A wrong electrode, faulty preheating and metal hardened by air, okay, option B faulty welds, faulty sequence and rigid joints, okay, wrong speed, current improperly adjusted and faulty preparation or uneven heat, improper sequence and deposited metal shrinks। नाउ सी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है इसके सारे के सारे ऑप्शन एक्चुअली माई डियर बहुत ही क्लोज हैं, राइट। सो वी नीड टू थिंक प्रैक्टिकली एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर कर पाए देन ओनली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अगर नहीं हो पाता है प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, ओके, प्लीज लीव, क्योंकि आप नेगेटिव मार्क आपको मिल जाएगा। -0.25 इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, जीरो इज ओके, -0.25 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, एक नंबर मिल रहा है पॉजिटिव, वेरी गुड, राइट। सो यहां पर क्या है, बेसिकली ब्रिटल वेल्ड्स कब बनते हैं, देखो ब्रिटल वेल्ड फॉर्म होने का जो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपके गलत इलेक्ट्रोड का यूज करना। अगर आपने सही इलेक्ट्रोड यूज नहीं करा तो ब्रिटल वेल्ड फॉर्म होंगे ही होंगे, तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। दैट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटल वेल्ड, अगर ब्रिटल वेल्ड फॉर्म हो रहे हैं विच मीन्स वी आर समवेयर और द अदर यूजिंग रॉन्ग इलेक्ट्रोड, राइट। तो देखिए रॉन्ग इलेक्ट्रोड किस में मिलने वाला है, ऑप्शन डी में रॉन्ग इलेक्ट्रोड नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है एक्चुअली ब्रिटल वेल्ड फॉर्म होने का, फॉल्टी प्री हीटिंग, फॉल्टी प्री हीटिंग की वजह से भी ब्रिटल वेल्ड फॉर्म होते हैं। मतलब अगर आपने जो प्री हीट करा है मटेरियल का वो सही तरीके से नहीं हुआ, या जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं हुआ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हुआ, तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपके वेल्ड फॉर्म होंगे उसमें ऑलवेज ब्रिटलनेस होगी, मटीरियल डिस्टॉर्ट करेगा ही करेगा, राइट। इसके अलावा मेटल हार्डेंड बाय एयर, अगर मेटल एयर से हार्डन हो रहा है तो भी आपका ये प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन ए इट रिलीव्स द जॉइंट फ्रॉम रेजिड्यूअल स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन चेकिंग ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस, देन सी इज लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज बोथ सिमिलर और डिससिमिलर कैन बी जॉइंट। सबसे एक्यूरेट अभी आंसर जो अपने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमको सी दिख रहा है, राइट। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस मेटलर्जिकल चेंजेस, ये तो ऑप्शन यही गलत हो गया। मेटलर्जिकल चेंजेस तो आते ही हैं जब हम लोग वेल्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी, लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज बोथ सिमिलर और डिससिमिलर कैन बी जॉइंट, यस बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं वेल्डिंग से। मेटल्स अलॉयज हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, पढ़ा था ना, बेसिकली क्या है, जॉइनिंग ऑफ मेटल विद और विदाउट हीट, विद और विदाउट प्रेशर एंड विद और विदाउट फिलर मटेरियल, है ना। तो वो डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिखी है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की, वो बेसिकली यही तो बोलता है कि मेटल्स और अलॉय की जॉइनिंग कर सकते हैं, ओके, इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी डिससिमिलर। वेल्डिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होता है, बेसिकली अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या होता है वहां पर एटॉमिक जॉइंट्स फॉर्म हो रही हैं, तो आप किसी भी मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स, राइट, ओके। सो द आंसर वुड बी आंसर सी, इट हेल्प्स इन चेकिंग ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस। एक्चुअली क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस चेक करने का काम वेल्डिंग का नहीं है, है ना, चेक करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस,
उसके बाद अगर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो चेक करने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स, राइट? तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन ए पढ़िए, इट रिलीव्स द जॉइंट फ्रॉम रेजिडुअल स्ट्रेसेस. बिल्कुल गलत. रेजिडुअल स्ट्रेसेस का जॉइंट्स में रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं नहीं है, उनको रिलीव करने के लिए हम वेल्डिंग यूज करने वाले हैं, ये एकदम एब्सर्ड है. तो एक्चुअली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन द आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू, बताइए आर्क लेंथ हमने डिस्कस करा था माय डियर. आर्क लेंथ जनरली इसकी वैल्यू होती है 0.5 to 1.1 डी, ये इसके बीच में लाई करता है. कितना? 0.5 to 1.1 डी, जनरली 0.5 से 1.1 डी के बीच में लाई करता है, राइट? तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आर्क लेंथ क्या होना चाहिए? 4.5 टाइम्स रॉड डायमीटर, गलत. 3 टाइम्स, गलत. 1.5, गलत. डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है 0.5 से 1.1 के बीच में. बट मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, जितना रॉड का डायमीटर होता है लगभग उतना ही हम लोग आर्क लेंथ रखते हैं और वो वेरी करते रहते हैं. दैट आर्क लेंथ इज वेरिड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू रेजिड्यूअल स्ट्रेसेस इन वेल्डिंग. अगर वेल्डिंग में रेजिड्यूअल स्ट्रेसेस रह जाती हैं तो क्या इफेक्ट्स इसमें आप देखने को मिलेगा आपको. पहला, रिड्यूस डायमेंशनल स्टेबिलिटी. बिल्कुल सही, डायमेंशनल स्टेबिलिटी रिड्यूस होगी. दूसरा, वेल्ड क्रैकिंग. यस, वेल्ड क्रैक्स भी फॉर्म होंगे ही होंगे. तीसरा, इफेक्ट ऑन फेटिक स्ट्रेंथ. क्या मटेरियल का फेटिक स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा? क्या वेल्डेड पोर्शन का फेटिक स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा. रिडक्शन इन क्रीप स्ट्रेंथ, ऑफकोर्स देर विल ऑल्सो बी रिडक्शन इन क्रीप स्ट्रेंथ एज वेल. तो बेसिकली क्या है कि रेजिड्यूअल स्ट्रेसेस अगर उसमें हैं तो वर्क पीस डिटीरियोरेट ही हो रहा है, खराब ही हो रहा है, राइट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. इसको सुधारने का तरीका क्या है? प्री हीटिंग करो या पोस्ट हीटिंग करो, है ना? तो हम लोगों ने वेल्डिंग में पढ़ा था ना, देयर इज द मेथड ऑफ फोर हैंड वेल्डिंग एंड देयर इज दिस मेथड ऑफ बैक हैंड वेल्डिंग. तो उससे प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करके आपको बेसिकली रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिलीव करना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग क्या करते हैं? पोस्ट हीटिंग करते हैं ताकि रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हटाया जा सके, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एनीलिंग प्रोसेस जो कि एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, राइट? तो जब पोस्ट हीटिंग करा जाता है तो उससे क्या होते हैं, जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस वेल्ड में रहते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं. ओके, बात समझ में आती है? बोलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, आर्क ब्लो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? एसी वेल्डिंग में? नहीं, एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो ज्यादा नहीं देखने को मिलता है. जनरली जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है किसमें? डीसी वेल्डिंग में. किसमें मिलता है? डीसी वेल्डिंग में. तो जो एसी वेल्डिंग है ना, वो दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए. देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन ए. अब ऑप्शन बी और सी पढ़िए. डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, यस. DC welding with straight polarity and bare electrodes. Now this is more suitable answer. DC welding with straight polarity and bare electrodes. अगर इलेक्ट्रोड बेयर है, उन पे फ्लक्स नहीं लगा हुआ है, तो भी आर्क ब्लो होने वाला है. प्लस DC welding straight polarity. देखो DC welding straight polarity में सबसे ज्यादा आर्क ब्लो की कंडीशन देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा DC welding straight polarity में क्या होता है माई डियर, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्क पीस, लेस हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड. तो जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, उसका वो फ्लो ज्यादा वर्कपीस की तरफ हो रहा है. तो जब वर्कपीस की तरफ ज्यादा फ्लो हो रहा है तो जो डिफ्लेक्शन होगा तो स्पैटर फॉर्मिंग भी वर्कपीस पर ज्यादा होने वाली है. तो डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, और इस पे जो मजे की बात हो गई है वो क्या दे दिया है, बेयर इलेक्ट्रोड भी दे दिया है, राइट? तो अगर ये इतनी सारी चीजें दे दिया है सो आर्क ब्लो वुड बी मोस्ट कॉमन इन डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलैरिटी एंड बेयर इलेक्ट्रोड्स, राइट? सो द आंसर वुड बी आंसर सी, राइट? एन आर्क वेल्डेड जॉइंट इज शोन इन द अबव फिगर. ओके, यहां पर क्या बताना है हमको, बी. तो बी कहां है, ये देखिए आपको ये फिगर में दिख रहा होगा बी. लेट मी चेंज द कलर. ये बी आपको दिख रहा होगा, राइट? तो यहां पर क्या बताना है हमको कि ये बी क्या चीज है. तो बेसिकली हमको पता है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, दिस इज योर री इन्फोर्समेंट सेक्शन, है ना? और ये नीचे जो ये आपका जोन जाता है, ये आपका पेनिट्रेटिंग जोन होता है, इसको हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं, पेनेट्रेशन, राइट? अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि ये बी मतलब ये ऊपर वाला, ये पूछ रहा है ये वाला रीजन क्या है. तो ये रीजन बेसिकली क्या है, इट इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, दैट इज री इन्फोर्समेंट. ये क्या है माय डियर, आपका री इन्फोर्समेंट, राइट? आई होप इट इज अंडरस्टूड. बहुत सिंपल है, ये चीज तो हमने डिस्कस भी करी है क्लास में, राइट? सो सी, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी, इनमें से कौन सा वेल्डिंग एसेसरी नहीं है? क्या ग्लव्स वेल्डिंग एसेसरी हैं? बिल्कुल हैं। क्या हैंड स्क्रीन जो आप वेल्डिंग जब करते हैं तो देखते हैं कुछ एक आगे होल्ड करके रखते हैं ताकि स्पार्क या स्पैटर जो है वो शरीर पर ना आए, क्या वो एक वेल्डिंग एसेसरी है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रोड होल्डर एक वेल्डिंग एसेसरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। केबल, केबल एक यूज करा जाता है सेटअप में क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी है, बट हम डायरेक्टली उसको वेल्डिंग एसेसरी नहीं बोल सकते। तो यहां पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो क्या होना चाहिए? केबल, बिकॉज केबल डायरेक्टली हम उसे वेल्डिंग एसेसरी नहीं बोल सकते। हाउएवर ग्लव्स, हैंड स्क्रीन, इलेक्ट्रोड होल्डर, ये सारे के सारे माय डियर क्या है? दीज ऑल आर वेल्डिंग एसेसरीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क बाई, आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे क्रिएट होता है? देखो ऑप्शन डी देखो, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, गलत। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बनता है आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, किसमें? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अपना सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बनता है, राइट। तो वहां पर क्या होता है बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, कोल्ड वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फिर कोल्ड वेल्डिंग के अंदर प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारे के सारे क्या है बेसिकली? ये सब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क क्रिएट होता है वो कैसे होता है? जब हम पावर सोर्स से करंट सप्लाई करवाते हैं, जब हम पावर सोर्स से करंट सप्लाई करवाएंगे तो वहां पर जो आपका आर्क क्रिएट होता है, राइट। सो द मोस्ट प्रोबेबल आंसर हियर वुड बी, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय फ्लो ऑफ करंट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सी वी हैव रिटन दिस इन नोट, नोट करके हम लोगों ने इसको नोट करा है, राइट। 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जाता है कितना जाता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। अटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में कितना जाता था? 4000 डिग्री सेल्सियस, वी हैव डिस्कस्ड दिस एज वेल, राइट। तो ध्यान रखिएगा आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सी दीज क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, एंड एक्सपेक्ट कि ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई रॉकेट साइंस वाला वहां पर एक्सपेरिमेंट देने वाले हैं, नो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें यूज करा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने जाने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, हीलियम आर्क वेल्डिंग हमने डिस्कस करा था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग को माय डियर हीलियम आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्यों ही बोलते हैं? क्योंकि उसमें हीलियम और आर्गॉन को यूज करा जाता था एज इनर्ट गैसेस, इसीलिए उसको हम लोग हीलियम आर्क वेल्डिंग भी बोलते थे, राइट। तो यहां पर बोल रहा है कि हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना है? अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रोड किसका होगा उसमें? टंगस्टन का है कि नहीं? सो हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं दैट इज मेड ऑफ टंगस्टन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बताइए माय डियर। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, राइट। टिग वेल्डिंग क्या यूज करता है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, टिग वेल्डिंग करता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है इसका मतलब इलेक्ट्रोड यहां पर मेल्ट नहीं होने वाला है, हमको उसको मेल्ट करना भी नहीं है, इसका मतलब हमको कम हीट देनी है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ज्यादा हीट देनी है वर्कपीस के ऊपर। और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी पावर सोर्स यूज करेंगे। डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी पावर सोर्स से ज्यादा हीट वर्कपीस पर प्रोड्यूस होगा, कम हीट इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होगा, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, वेल्ड डिपोजिशन कम होगा, राइट। हमने इसको सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, ओके। सो द आंसर वुड बी, यहां पर आंसर क्या होने वाला है? टिग वेल्डिंग, सी। तो टिग वेल्डिंग यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल कौन सा यूज करता है? मिग वेल्डिंग यूज करता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दैट इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, राइट। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, बताइए। ऑक्सीजन रेशियो एसिटिलीन C2H2, ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का रेशियो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दिया है, इसका मतलब यहां पर क्या बात हो रही है? ऑक्सीजन ज्यादा होने वाला है, राइट। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, इनर कोर फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, 3500 डिग्री सेल्सियस।
न्यूट्रल फ्लेम में हम लोग 3200 लेते हैं, कार्बराइजिंग फ्लेम में 2900 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कंबशन के लिए मेजर सोर्स होता है, राइट? तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन टू C2H2 रेशियो यानी ज्यादा है, 1:1 नहीं होगा। ये किसके लिए होता है? न्यूट्रल फ्लेम के लिए। हमने बोला था 1.15 से लेकर के और 1.5 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 1.15 से 1.5 के बीच में। तो यहाँ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट वी विल प्रिफर कि हम लोग आंसर सी मार्क करेंगे, दैट इज 1.5:1, ठीक है। क्या मार्क करेंगे? 1.5:1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। कोटिंग किससे करी जाती है मटेरियल की? देखो, एक इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज बेयर इलेक्ट्रोड, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? आर्क फ्लक्स एक मेजर प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, बेयर इलेक्ट्रोड है तो। उसके अलावा बेयर इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब आप जब वर्कपीस को वेल्ड करेंगे तो आपका जो वेल्ड पूल जो है वो खुला हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक एयर उसमें एंट्रैप हो सकते हैं, जिससे ब्लो होल्स, पिन होल्स, पोरोसिटी और बहुत सारे अदर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करा गया? उसके ऊपर फ्लक्स मटेरियल यूज करा गया। क्या यूज करा गया? फ्लक्स मटेरियल यूज करा गया। तो इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लक्स। द आंसर इज आंसर डी। सो क्या होगा? द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड फ्लक्स, राइट? बाइंडर जो है वो तो बाइंडिंग एलिमेंट है, जोड़ने के लिए यूज होता है, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आपको इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करवाना है, माय डियर। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए, बिकॉज यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, राइट? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है टंगस्टन टिक वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। अगर नॉन कंज्यूमेबल है मतलब इलेक्ट्रोड पर हीट कम होनी चाहिए, वर्कपीस पर हीट ज्यादा होनी चाहिए, तो हम वहां पर देंगे डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, जिससे क्या होगा? वर्कपीस पर हीट ज्यादा आएगी, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, डिपोजिशन कम होगा, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की, यानी वहां पर आ जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस के लिए हीलियम आर्गन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ओके। अब क्या होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में? हमको कंज्यूम करवाना है इलेक्ट्रोड को, मतलब ज्यादा हीट कहाँ होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड पे। कम हीट होनी चाहिए वर्कपीस पर। इलेक्ट्रोड पर अगर ज्यादा हीट है, इसका मतलब माय डियर समझना है कि हम लोग यहां पर डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी यूज नहीं करेंगे। तो ज्यादा हीट होगा आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर, कम हीट होगा वर्कपीस पर। पेनिट्रेशन यहां पर कम होगा, डिपोजिशन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है और वो डिपॉजिट होता जा रहा है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड योर मेटल इनर्ट गैस वेल्ड। पूरी राम कहानी मैंने आपको बता दी इसीलिए, ताकि बार बार आप इसको सुनेंगे, सो माय डियर आपकी चीजें ये दिमाग में सेट हो जाएंगी, एंड यू विल फाइंड कि आपके एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे टॉपिक पे मिलने वाले हैं, राइट? द आंसर इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जो कि यूज करता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूजेस। ऑटोमेटिक वेल्डिंग में क्या यूज होता है? कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप यूज करता है, हमने इसको भी डिस्कस करा है माय डियर। कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बिल्कुल लीनियर होता है, तो इससे क्या होता है? थोड़े से वेरिएशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, डेल्टा वी डेल्टा आई, है कि नहीं? और जब हम लोग मैनुअल आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं तो वहां पर कांस्टेंट करंट टाइप यूज करते हैं, जो कि ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ध्यान करिए, कुछ ऐसा हमने कर्व बनाया था, इससे क्या होता है? थोड़े से वेरिएशन में यहां पर भी बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। तो क्योंकि मैनुअल आर्क वेल्डिंग में हमको हाथ से कंट्रोल करना है, तो इट बिकम्स ईजी टू कंट्रोल, इसीलिए वहां पर कॉन्स्टेंट करेंट टाइप यूज करते हैं। बट अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा आने वाला है, इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप, राइट? बात समझ में आ गई? तो द आंसर वुड बी हियर आंसर बी, ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूजेस कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, गुड क्वेश्चन। स्टेडी एंड फास्ट फ्लो फ्रॉम एसिटिलीन सिलेंडर कॉजेस फ्लो ऑफ। भैया देखिए, हम लोगों ने डिस्कस करा था गैस वेल्डिंग, ओके। अब गैस वेल्डिंग में माय डियर हमने कहा था दो सिलेंडर यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, किस कलर का होता है माय डियर? ब्लैक कलर का। प्रेशर जनरली कितना मेंटेन होता है? 15 मेगापास्कल, कितना? 15 मेगापास्कल, ओके। दूसरा सिलेंडर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? C2H2 का, एसीटिलीन का सिलेंडर, किस कलर का होता है?
मरून कलर का। प्रेशर कितना होता है इसमें? 1.5 मेगापास्कल। ठीक है, अब C2H2 जो सिलेंडर होता है, क्या उसमें एसीटिलीन एसीटिलीन के फॉर्म में होती है? नहीं, उसको किस फॉर्म में हम लोग रखते हैं? एसीटोन के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि एसीटोन जो होता है वो बहुत सारा एसीटिलीन अपने अंदर होल्ड करता है। लेकिन यहां क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेडी एंड फास्ट फ्लो फ्रॉम एसीटिलीन सिलेंडर, यानी अगर आपने एसीटिलीन सिलेंडर को तेजी से खोल दिया तो क्या फ्लो करेगा? एसीटिलीन फ्लो नहीं करेगा। तेजी से खोल दिया तो एसीटोन ही फ्लो करने लग जाएगा। क्या फ्लो करेगा उस केस में? एसीटोन फ्लो करेगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे खोलते हैं सिलेंडर को, का जो नॉब है उसको स्लोली, उसको मेंटेन करा जाता है और स्लोली उसको ओपन करा जाता है, तब उसमें से एसीटिलीन हमारे लिए निकलता है और उसको वेल्डिंग के लिए यूज करा जाता है। अगर हमने तेजी से उसको खोल दिया माय डियर, तो एसीटिलीन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? डायरेक्ट एसीटोन निकल जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, स्टेडी एंड फास्ट फ्लो फ्रॉम एसीटिलीन सिलेंडर कॉसेस फ्लो ऑफ एसीटोन। एसीटिलीन मत मार देना, क्योंकि मिलना चाहिए था प्लस वन, मिल गया माइनस 1.25। समझते हैं? माइनस वन इज योर पोटेंशियल लॉस। ओके, सो द आंसर वुड बी आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जनरली किसके बनाए जाते हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर का नहीं बना सकते, एल्यूमिनियम का नहीं बना सकते, ACSR कंडक्टर का नहीं बना सकते। जनरली हम लोग किसका बनाते हैं? ग्रेफाइट का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ग्रेफाइट का बनाते हैं, राइट? बिकॉज ग्रेफाइट जो है वो एक डी स्टेबिलाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है? एक डी स्टेबिलाइजिंग एजेंट भी होता है, राइट? इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम क्या होगा? न्यूट्रल फ्लेम में सेम रेशियो 1:1, ऑक्सीजन एसिटिलीन दोनों का सेम रेशियो रहने वाला है। बता देता हूं फिर से एक बार, ये आपका फ्लेम है, यहां पर एक इनर कोर और एक आउटर फ्लेम। इनर कोर का टेम्परेचर न्यूट्रल फ्लेम में कितना था माई डियर? ऑलमोस्ट 3200 डिग्री सेल्सियस। आउटर फ्लेम का टेम्परेचर कितना था? 1275 डिग्री सेल्सियस, राइट? और न्यूट्रल फ्लेम को कैसे रिकॉग्नाइज करा जाता है कि न्यूट्रल फ्लेम है? बाय द साउंड इट प्रोड्यूसेस। कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रोरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कार्बनाइजिंग फ्लेम कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर आपको तीनों चीज दे दी जाएगी तो क्या आप बता पाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कौन सा है, रिड्यूसिंग फ्लेम कौन सा है और न्यूट्रल फ्लेम कौन सा है? यस, बाय द साउंड इट प्रोड्यूसेस। सो द आंसर वुड बी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? सिंपल, नॉट गोइंग टू डिस्कस मच। आंसर डी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। हमने इसको डिस्कस कर लिया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज कॉल्ड। कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज करता है? कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस होता है माय डियर? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग सबमर्ज कर देते हैं ग्रैन्युलर फ्लक्स के नीचे, और वो जो ग्रैन्युलर फ्लक्स होता है, दैट ग्रैन्युलर फ्लक्स किसका होता है माय डियर? किसका होता है? CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaF2 और CaO का वो फ्लक्स होता है जिसके नीचे वेल्डिंग चलती है अंदर अंदर, और ऊपर में वो फ्लक्स फ्लो करता है। ऐसा इससे क्या फायदा होता है? इससे जो हीट लॉस हो रहे थे, यानी जो हीट ट्रांसफर लॉसेस हमको जनरली मिल रहे थे, वो हम यहां पर क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। और बहुत ज्यादा थिक वर्क पीसेस की वेल्डिंग बहुत स्मूथली हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस जो पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज करता है, वहां पे मोल्टन मेटल का पूल बनता जाता है, वो क्या है आपका? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, राइट? सो द आंसर वुड बी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस? बताइए, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? देखो, हमने डिस्कस करा था, एक होता है ऑटोमेटिक। बेसिकली हमने क्या कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसके दो मूवमेंट होते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे, राइट? एक तो वो ऐसे मूव करता है भाई, वर्कपीस के ऊपर मूव करना, दिस इज वन मेथड। और एक क्या है? आर्क लेंथ को मेंटेन करना, दिस इज अनदर मूवमेंट। है कि नहीं? दो मूवमेंट है। तो अगर एक मूवमेंट हाथ से कंट्रोल करा, दूसरा मूवमेंट मशीन से कंट्रोल करा,
इसको हम लोग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मूवमेंट हाथ से कंट्रोल करा और ये भी मूवमेंट हाथ से कंट्रोल करा, इसको हम लोग मैनुअल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये मूवमेंट मशीन से कंट्रोल करा और ये मूवमेंट भी मशीन से कंट्रोल हुआ, सो दिस इज योर ऑटोमेटिक प्रोसेस, राइट। तो सेमी ऑटोमेटिक कौन सा होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस फॉलो करती है, ठीक है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली फॉलोज सेमी ऑटोमेटिक मेथड, सो द आंसर वुड बी आंसर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है माय डियर, बताइए। सोल्डर इज एसेंशियली अ टिन लेड बेस अलॉय। टिन और लेड, टिन और लेड का जो अलॉय बनता है वही आपका सोल्डर होता है। और परसेंटेज ऑफ टिन और लेड को वेरी करके हम लोग अलग अलग तरीके के सोल्डर्स बनाते हैं, जैसे आपका प्लम्बिंग सोल्डर होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन सोल्डर होता है, जैसे आपका सॉफ्ट सोल्डर होता है, मीडियम सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर होता है। तो ये किस पर टिके, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया? सिर्फ टिन और लेड की परसेंटेज को वेरी करा गया, ठीक है। टिन की परसेंटेज बढ़ाई गई, लेड की परसेंटेज घटाई गई, उससे आपके अलग अलग सोल्डर्स फॉर्म होते चले गए। तो बेसिकली सोल्डर क्या होता है? टिन लेड बेस अलॉय, राइट। सो द आंसर वुड बी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलर मेटल इज यूज्ड इन। फिलर मेटल कहां यूज करते हैं? क्या स्पॉट वेल्डिंग में यूज होता है फिलर मेटल? नहीं, स्पॉट वेल्डिंग में नहीं होता है, बिकॉज स्पॉट वेल्डिंग इज अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये क्या है, जब हम लोगों ने चार्ट फॉर्म करा था तो स्टार्टिंग में हमने देखा था सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, दे ऑल आर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यस, इट इज अ होमोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है। ये है लिक्विड वेल्डिंग ही, होमोजीनियस वेल्डिंग ही, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस में सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग, ये तीनों वेल्डिंग हमने देखे थे, राइट। हाउएवर इसको सिलेबस में मेंशन नहीं है, सो वी नीड नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल आया है तो लेट्स सी दिस। प्रोजेक्शन वेल्डिंग अगेन अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो यहां भी फिलर मेटल का यूज नहीं होगा। सीम वेल्डिंग अगेन अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यहां भी फिलर मेटल का यूज नहीं होगा। यूज कहां होगा? गैस वेल्डिंग में, पर तब जब थिकनेस 5 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। जब थिकनेस ऑफ वेल्ड 5 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, इन दैट केस वी यूज फिलर मेटल। सो द आंसर वुड बी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। कितना होता है आर्क लेंथ? अभी हम लोगों ने देखा था डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रॉड जनरली 0.5 to 1.1 D के बीच में लाई करता है। ऑप्शन ए देखिए, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड करेक्ट, 1.5 times डायमीटर गलत, 2x डायमीटर गलत, 1/2 diameter ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड। लाइक अब देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ये बोल रहा है 0.5 से 1.1 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन ए है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है हाफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, ये भी तो सही है, इस रेंज में आ रहा है। बट मोस्ट प्रेफरेबल क्या होता है, जनरली हम लोग कितना रखते हैं? डायमीटर के बराबर ही रखते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे करके वेरी करते हैं। सो द आंसर वुड बी आंसर ए, राइट। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन द गैस फ्लेम अंटिल। सोल्डरिंग आयरन को कब तक हीट करते हैं? जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, ये भी हमने डिस्कस करा था। टेम्परेचर कहां तक पहुंचाते हैं? रेड हॉट टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं, लेकिन रेड हॉट टेम्परेचर जो होगा वो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीसेस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर रेड हॉट टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर, तो कहां तक हम लोग पहुंचाते हैं उसका टेम्परेचर बेसिकली सोल्डरिंग के दौरान? रेड हॉट टेम्परेचर तक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यहां ऑप्शन बी पढ़िए, द कोटिंग ऑफ बोरेक्स ऑन द बिट टर्न्स ब्लैक, ये गलत है। बट यहां पर एक चीज आपको मिल गई, जो हम लोग कोटिंग करते हैं जनरली जो फ्लक्स मटेरियल यूज करा जाता है सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में, सॉलिड स्लैश लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में, जिसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पड़ते हैं, वो क्या यूज करते हैं? बोरेक्स। क्या यूज करते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स इज द मटेरियल, फ्लक्स मटेरियल जनरली यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल, मतलब मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल की पोरिंग किसमें करी जाती है? आर्क वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में, थर्मिट वेल्डिंग में या गैस वेल्डिंग में? एक्चुअली क्या होता है माय डियर, ये जो मोल्टन मेटल की पोरिंग होती है ना, ये करी जाती है थर्मिट वेल्डिंग में। किसमें करी जाती है? थर्मिट वेल्डिंग में। थर्मिट वेल्डिंग कहां यूज करा जाता है? रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग यूज करते हैं। तो उसमें करते कुछ नहीं है, बेसिकली
मेटल को हीट करा जाता है, बेसिकली जिनसे ज्वाइन करना है उसको हीट करते हैं और उसको पोर करा जाता है, और पोर करने के बाद वहाँ सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, उसके बाद उसको फिनिश करा जाता है और सिंपल अपना ट्रैक बन जाता है। दिस टाइप ऑफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। जैसे गैस वेल्डिंग एक केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, वैसे ही थर्मिट वेल्डिंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग ही तो है, राइट। तो थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग माय डियर, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स। सो द आंसर वुड बी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। बताइए सोल्डरिंग प्रोसेस का टेम्परेचर रेंज हमने नोट करा था। देखो सॉफ्ट सोल्डर 70 टू 150 के बीच में भी होता है और 180 से 250 के बीच में भी होता है। सो दिस मतलब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली क्या है, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट बी और सी में फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो आई फील कि आंसर इसका सी होना चाहिए, दैट इज 180 टू 250 डिग्री। ऑलवेज गो फॉर द हायर रेंज, ठीक है, हायर रेंज पर जाने की कोशिश करो, क्योंकि लोअर रेंज 70 टू 150 भी उसमें कवर हो ही जाएगा, बट उसे हायर रेंज पर जनरली वो वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा फंसते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, सो वी कैनॉट डू एनीथिंग, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि जिसने एग्जाम सेट करा है वो किस क्या आंसर सोचता है। हमें पता है कि यार 70 टू 150 भी हो सकता है और 180 टू 250 भी हो सकता है, तो हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सो डोंट गेट स्टक इनटू इट। अगर बेसिक इंस्टिंक्ट आपका बोल रहा है कि ये आंसर है तो उसको आप मार्क कर देना, ठीक है, बाकी छोड़ देना भगवान पे, बिकॉज एग्जामिनर नोज क्या होगा। हम अगर इस क्वेश्चन को चैलेंज भी करेंगे माय डियर, सो वी आर नॉट जस्ट बीइंग एबल, वी विल नॉट बी एबल टू चैलेंज इट करेक्टली, क्योंकि आंसर दोनों ही लगभग सही है। ओके नेक्स्ट देखिए, देखो द कॉमनली यूज फ्लक्स मटेरियल फॉर ब्रेजिंग ऑपरेशन इज। बताइए अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस करा था कि कौन सा कॉमनली यूज ब्रेजिंग मटेरियल, सोल्डरिंग ब्रेजिंग में जो फ्लक्स मटेरियल यूज करा जाता है क्या होता है, बोरैक्स, ऑप्शन बी। बोरैक्स इज द मोस्ट फेवरेबल एलिमेंट यूज एज फ्लक्स मटेरियल। ओके अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, आई डोंट थिंक इसको हमें बहुत ज्यादा अब डिस्कस करने की जरूरत है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। बताइए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का जब हम लोगों ने चार्ट बनाया था माई डियर, हमने चार बोले थे, कोल्ड वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, राइट। फिर कोल्ड वेल्डिंग के अंदर प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, दिस वॉज आवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से ढूंढिए ना कि चार में से कोई दिख रहा है कि नहीं। गैस वेल्डिंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दिस इज अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग अगेन अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और लिक्विड वेल्डिंग में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था जिसमें एक फ्लक्स्ड कोर था, एक आपका शील्डेड गैस था और एक आपका जो केमिकल वाला, ठीक है, मतलब बेसिकली आर्क में डिस्ट्रीब्यूट करा था, राइट। पहला क्या करा था, आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने दो पार्ट बोले थे, कौन कौन से थे बोलिए। केमिकल रिएक्शन के अंदर दो थे, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, राइट। और जो आर्क वेल्डिंग था उसके अंदर तीन तरीके के, फ्लक्स कोर, शील्डेड गैस, सबमर्ज्ड आर्क। फिर शील्डेड गैस के अंदर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। दिस इज योर कंप्लीट टेबल जो हमने अभी बनाई थी माय डियर अपने नोट्स में, पूरा टेबल मैंने आपको बता दिया है। कितनी आसानी से ये टेबल रट जाएगा बार 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 आप सुनेंगे तो, राइट। सो यहां पर बोलता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कौन सा है, फोर्ज वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दिस इज अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। आंसर क्या होगा, आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन यूज करते हैं और एसिटाइलिन यूज करते हैं, C2H2। इनमें से कोई एक दिख रहा है, यस सी दिख रहा है, सो एसिटाइलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। मे बी इसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के रेशियो पर डिपेंड करता है कि वो न्यूट्रल फ्लेम है, कार्बनाइजिंग फ्लेम है या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, राइट, वी नो दैट।